Very good morning. The topic is the relative velocity. How can we understand the relative velocity? To understand this, just I am giving you the two situation. Suppose करो कि हमने आपसे बात किया कि दो आप दो मित्र साइकिल चला रहे हैं और आप ऑब्जर्व किए होंगे कि कभी आप दोनों साइकिल में एक साथ ही चल रहे हैं, एकदम दोनों का साइकिल एक दूसरे के साथ साथ है, और कभी ऐसा भी होता है कि आपका साइकिल आगे है और आपके मित्र का साइकिल पीछे हो गया इस, और कभी ऐसा भी आता है कि आप मित्र का साइकिल आगे हो गया और आपका पीछे हो गया। ये एक सिचुएशन में आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर वेलोसिटी में दोनों पार्ट, दोनों जो मोशन में है उसके बीच में डिस्टेंस में डिफरेंसेस, वेलोसिटी में डिफरेंसेस एंड समहाउ एक्सेलेरेशन आल्सो गेट डिफरेंट, तो ये एक सिचुएशन बना। इसी तरह हम अगर बात करें कि अगर कोई पैसेंजर बस में बैठा हुआ है और अपने बगल वाले पैसेंजर को देख रहा है, बस मूविंग है, मूव कर रही है, तो उसको लगता है कि मेरे बगल में बैठा हुआ भी रेस्ट पे है या वही वेलोसिटी के साथ है जिस वेलोसिटी में वो है। दूसरा बात, उसने क्या देखा कि अगर वो खिड़की में बैठा हुआ है और आउटसाइड देखता है तो ही ऑब्जर्व दैट द एवरीथिंग इज गोइंग बैक, सभी चीज पीछे की ओर जा रहा है, पेड़ पीछे की ओर जा रहा है, पोल पीछे की ओर जा रहा है, अगर कोई आदमी बाहर खड़ा है वो भी पीछे की ओर जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने आप को स्टेशनरी माना और जो भी चीज है वो उसको पीछे की ओर जाते हुए दिख रहा है, मोशन में दिख रहा है। दूसरा बात, और क्या देखता है कि अगर एक बस है और आगे से बस आ रही है तो बैठे हुए पैसेंजर को ऑब्जर्व करता है कि बस बहुत तेजी से उसको क्रॉस कर गई, बहुत तेजी से उसको क्रॉस कर गई, जबकि ऐसा नहीं है, उसकी वेलोसिटी फिक्स है। लेकिन जब हम इस चीज को, इस सिचुएशन को देखते हैं तो दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाता है। और समटाइम पैसेंजर ये भी ऑब्जर्व करता है, या आप भी बैठे हैं तो ऑब्जर्व करते हैं कि मान लो एक बस जा रहा है, उसके बगल से एक बस ओवरटेक कर रहा है, तो जब वो ओवरटेक कर रहा है तो उस समय उसकी गति लगता है बहुत ही कम है और वो धीरे धीरे आगे की ओर जा रहा है। इसका मतलब देयर इज द रिलेशन बिटवीन द टू मूविंग बॉडी एंड द रिलेशन इज रिलेटेड विद द डिस्टेंस, विद द वेलोसिटी, विद द एक्सीलेशन, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो रिलेटिव वेलोसिटी को आप देख रहे हैं यहां पर, तो क्या देख रहे हैं अभी, पहले दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए, मान लो ऑब्जेक्ट ए लिए, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अनदर ऑब्जेक्ट बी अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, दो ए ऑब्जेक्ट यहां पर हो गया और उसका रिस्पेक्ट में मोशन देख रहे हैं, वेलोसिटी देख रहे हैं विद द बी, इज द टाइम एट विच ऑब्जेक्ट ए चेंजेज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। तो ऐसे में क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी, अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बी इज द टाइम एट विच द ऑब्जेक्ट ए चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात दिमाग में रखना है कि जब हम रिलेटिव कैरेक्टर लेते हैं तो वन मस्ट बी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस और वन मस्ट बी इन द मीन्स ऑब्जर्वर मे बी एट द रेफरेंस पॉइंट, और वो खुद को भी रेफरेंस पॉइंट के रूप में कंसिडर करता है। मतलब कि अगर गाड़ी आगे की ओर आ रही है तो हम अपने आप को क्या देखते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट देखते हैं, और उसके हिसाब से पोजीशन का चेंज होना, वेलोसिटी का चेंज होना, ये सब रिलेटिव वेलोसिटी में आते हैं। क्या क्या बात हम ऑब्जर्व करते हैं इस कंडीशन पे जो आपने लिखा यहां पर, तो हम कह सकते हैं कि पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट इज इक्वल टू पोजिशन वैक्टर दैट पोजिशन वैक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी।
एक रिलेशन ये हुआ, अगर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी। और अगर एक्सीलेशन के बारे में बात करते हैं तो एक्सीलेशन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू एक्सीलेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलेशन ऑफ बी। तो ये रिलेशन हमारे पास है, बनता है, मतलब दोनों जगह पोजीशन में क्या अंतर होगा, दो मूविंग पार्टिकल का वेलोसिटी में क्या अंतर होगा और उसके दो मूविंग पार्टिकल के एक्सीलेशन में क्या अंतर होगा, तो ये सब रिलेशन रिलेटिव वेलोसिटी में आएगा। लेकिन अब कैसे समझेंगे, तो अब इसी तीन बात को हम लोग समझने के लिए यहाँ पे देखो कई तरह का लाइन्स हमने बना रखा है और इस लाइंस को ही समझना है। सपोज करो हम पहला लाइंस यहां देख रहे हैं और इसको वन डायमेंशन में देख रहे हैं, फर्स्ट वन डायमेंशन मोशन है, मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, वन डायमेंशन मोशन। और सपोज मान लेते हैं कि दैट इज दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो पोजिशन, दैट इज द ओरिजिन, ओरिजिन। और यहां पे पैरेलल ट्रैक बनाए हैं अलोंग द एक्स, दिस इज द एक्स रिलेशन, दिस इज द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में और पैरेलल ट्रैक आप देख रहे हो, मान सपोज कर रहे हैं और कंसीडर करते हैं फॉर एनी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो द पार्टिकल दो ट्रैक में चल रहा है, एक हो गया बॉडी या ऑब्जेक्ट ए, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट बी। तो ऑब्जेक्ट ए मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ द बी एंड ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ बी डैश, ठीक है। और सपोज करो कि एट द इनिशियल स्टेज इट इज एट द एक्स नॉट एंड दिस इज एट द एक्स नॉट डैश और ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है फॉर द टाइम, टाइम आपने लिया टाइम इज इक्वल टू टी एंड इट ऑब्जेक्ट ए रीच टू द पॉइंट टू द पोजिशन ऑफ एक्स डैश और ऑब्जेक्ट बी पहुंचा एक्स में। तो ऐसे कर सकते हैं, यहां पे एक्स कर दिए यहां एक्स डैश कर दिए, तो ये पोजीशन है दो मूविंग पार्टिकल का, दो मूविंग ऑब्जेक्ट का ए एंड बी फॉर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो एंड फॉर टाइम टी इज इक्वल टू टी, ये रिलेशन है। अब देखो इसमें क्या क्या रिलेशन हमको मिला कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस में क्या वैल्यू होगा, इन दोनों के वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस होगा और अगर वेलोसिटी में डिफरेंस हो रहा है तो एक्सेलेरेशन में भी डिफरेंस होगा। तो ये सब बात हम कैसे फॉलो अप करेंगे, तो यहां देख रहे हैं कि मोशन दोनों ऑब्जेक्ट में ए में भी है और बी में भी मोशन है। तो मोशन, अब इसी बात को हम लिख रहे हैं, मोशन इन द ऑब्जेक्ट ए, मोशन इन, या कह सकते हैं पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन भी ले सकते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए फॉर टाइम टी, टी टाइम पे कितना पोजीशन पे गया, तो यहां पे टी टाइम पे एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी, एक्स नॉट प्लस वी टी, वेलोसिटी आपने लिया वी, दैट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वन डायमेंशन का केस कंसिडर किए। अब दूसरी बात कर रहे हैं तो पोजिशन, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बी फॉर टाइम टी, टी का टाइम आपने लिया है यहां पर, तो लिख नहीं रहे हैं, ऐसे लिख दो फॉर टाइम टी और यहां भी लिख देते फॉर टाइम टी, टी टाइम पे, तो ये रिलेशन आपने वन रख दिया। अब यहां पे से ओरिजिन हटा दे रहे हैं, दैट रिलेशन बिकम द, ये इक्वेशन वन हो गया या रिलेशन वन हो गया। और नीचे देख रहे हैं दैट इज द फॉर सेकेंड, तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स नॉट डैश दैट माइनस वी डैश टी एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। दो मोशन, दो पोजिशन चेंज का देख रहे हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम टू, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम टू, दैट इज द डिफरेंस। सब्ट्रैक्ट क्या मतलब, डिफरेंस ले रहे हैं, अब पोजिशन का डिफरेंस, वेलोसिटी का डिफरेंस, तो यहां पर क्या मिला, एक्स डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट डैश माइनस एक्स नॉट प्लस यहां वी डैश माइनस वी और साथ में यहां पर टी कर दिया एंड दैट बिकम द इक्वेशन नंबर। रुको इसको इधर से लिखते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो, यहां पे हम लिख सकते हैं एक्स डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट डैश माइनस एक्स नॉट प्लस वी डैश माइनस वी इन टू टी एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर थ्री। देखो इस इक्वेशन थ्री में पोजीशन में डिफरेंस,
between the two moving particle, two moving object, x dash minus x. Initially भी उसके बीच में डिफरेंस था और फाइन वेलोसिटी में भी डिफरेंस मिल रहा है. अब कैसे कैसे मिल रहा है तो एक एक बात ध्यान में रखते हैं. अगर पहला बात कर रहे हैं द पोजिशन चेंज ऑफ पोजिशन डिफरेंस इन पोजिशन इज पॉजिटिव. ठीक है, डिफरेंस इन पोजिशन, अगर डिफरेंस इन पोजीशन को हम कंडीशन लेते हैं x डैश माइनस x, ये मान लो a नंबर लिए, इज इक्वल टू पॉजिटिव. ये पॉजिटिव भी होगा डिफरेंस इन पोजीशन, दैट इज द फॉर टाइम टी टाइम पे पॉजिटिव भी होगा, दैट मे बी जीरो और दैट मे बी निगेटिव, ये निगेटिव भी होगा. अब इस तीनों बात को हम यहां पे देख सकते हैं. मान लो हमने एक लिया कि x डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, दैट मीन्स क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं द डिफरेंस बढ़ते चला जा रहा है, द डिफरेंस इंक्रीजेस अमॉन्ग द टू बॉडी विच इज मूविंग इन ए ट्रैक. ठीक है, दो मूविंग बॉडी है उनके बीच में दूरी बढ़ रही है. अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं द डिस्टेंस इंक्रीजेज, डिस्टेंस इंक्रीजेज. और अगर b लेते हैं दैट इज x डैश माइनस x इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स जीरो कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों अपने दूरी को अपने डिस्टेंस को मेंटेन कर रहा है, दैट इज द कांस्टेंट डिस्टेंस है बिटवीन देम, कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम, उन लोगों के बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस है. और अगर हम सी ले रहे हैं दैट इज द एक्स डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू निगेटिव, दैट मीन्स निगेटिव इज व्हाट द डिस्टेंस डिक्रीजेस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस घट रहा है, डिस्टेंस डिक्रीजेस, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है. अब ये सब बात हम यहां पर समझ रहे हैं दो मूविंग बॉडी के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव एक्सीलेशन कितना है, क्या है, ये रिलेशन हमको मिला. अब देखो इसको हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं. मान लो हमने यहां पे टाइम लिया, टाइम एक्सिस दैट इज द टी, और इस टाइम एक्सिस को एक्स माने और वाई मान लिए दैट इज द पोजीशन. वाई क्या है, दैट इज द पोजीशन, इसको हम पोजीशन के रूप में ले रहे हैं, वाई इज द पोजीशन, वाई को पोजीशन के रूप में कंसीडर किए पोजीशन. और पोजीशन दो आप ले रहे हैं यहां पर एक्स और दो बॉडी का ए और बी का पोजीशन, यहां हो गया एक्स नॉट इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट डैश, दो पोजीशन आपने लिया एक्स नॉट और एक्स नॉट डैश. अब ऐसे में पहले केस में अगर हम ले रहे हैं पोजीशन का और पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहा है, तो अगर मान लो सपोज करो कि ए इज मूविंग लाइक दिस, ए का मोमेंट है, ए बॉडी है फॉर टाइम टी, टी टाइम पे आप कंसीडर कर रहे हैं, सपोज टी इज द टाइम. ठीक है, तो यहां पर अब ये बढ़ते चला जा रहा है, धीरे 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 ये बढ़ रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग, यहां दिखा सकते हैं हम कि ये इंक्रीज कर रहा है फॉर द सेम, यहां पर आ रहा है ये b हो गया. अब देखो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, अब जब डिस्टेंस बढ़ रहा है इसका मतलब ऑब्वियसली उनकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है. ठीक है ना, अब ये देखो डिस्टेंस बढ़ते चला जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, दैट इज द रिलेटिव डिस्टेंस विल चेंज, रिलेटिव कैरेक्टर विल चेंज एंड दैट इज पॉजिटिव, दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है. ये एक कंडीशन आपने देखा. ठीक है, फॉर बॉडी ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी फॉर टाइम टी. अब इसी रिलेशन को हम सेकंड के केस में लेते हैं, तो ऐसे में मान लो ओ ले लिए इनिशियल दैट इज द एंड यहां दिखा रहे हैं एक्स फॉर टाइम, टाइम इज इक्वल टू टी, टाइम टी हो गया और ये रिलेशन यहां पे, और विथ पोजीशन, इसको हम पोजीशन के रूप में ले सकते हैं, पोजीशन या डिस्टेंस भी कह सकते हो, पोजीशन बोलो या डिस्टेंस बोलो. तो ये यहां से एक रिलेशन, ये कांस्टेंट है एक्स डैश और एक्स नॉट डैश, एक्स नॉट और एक्स नॉट डैश कांस्टेंट है. अब यहां से ये रिलेशन ऐसे दिख रहा है और ठीक दोनों साथ साथ चल रहा है, नो डिफरेंसेस विल इंक्रीज, दोनों साथ साथ है. दैट मीन्स यहां पर क्या देखें, एक्स एक्स इज इक्वल माइनस द डिफरेंस जो है वो जीरो है, मतलब जो डिफरेंस पहले था वही आर लगातार है, कोई चेंज नहीं हो रहा डिफरेंस में. तो ये ऑब्जेक्ट ए हो गया, ये दिस इज द ऑब्जेक्ट बी और फॉर टाइम टी आपने कंसिडर ही किया है. ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया दूसरा केस में. अगर हम थर्ड केस कंसिडर करते हैं फॉर टाइम,
टाइम टी, और ऐसे में देखते हैं एक्स और वाई को, तो ऐसे में यहाँ से अगर देखो तो हमको दो बात यहाँ पर फिर मिलता है, निगेटिव हो रहा है। तो अगर एक का एक इंक्रीज कर रहा है और दूसरा अगर आप कंसिडर करते हैं तो इट विल लाइक दिस। इसका मतलब यहाँ पर मीट कर रहा है एंड दैट इज द टाइम ऑफ मीटिंग और पोजिशन ऑफ मीटिंग, दिस इज द पोजिशन ऑफ मीटिंग, ठीक है। दोनों बात को हम लिख रहे हैं, ये ए ऑब्जेक्ट हो गया, ये बी ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर क्या है, निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब उनके बीच का दूरी घट रहा है। द रिलेशन रिलेटिव डिस्टेंस रिड्यूसेस, घट रहा है, क्योंकि आपने इनिशियल तो वही लिया है एक्स नॉट और एक्स नॉट डैश, दिस इज द पोजिशन, इसको हम लिख सकते हैं यहां पर पोजिशन। तो वन डायमेंशन में हमने समझा इसको, वन डायमेंशन रिलेशन को लेकर के हमने समझा कि पोजिशन। अब देखो एक बात और आती है, वेलोसिटी में भी डिफरेंस है, यहाँ पे इक्वेशन थ्री को देखो, वेलोसिटी में भी डिफरेंस आ रहा है, तो अब इसी बात को वेलोसिटी के रिलेशन में भी देख सकते हैं। तो वेलोसिटी भी यहाँ पर क्या है, दैट चेंज ऑफ वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो, चेंज इन वेलोसिटी या डिफरेंस इन वेलोसिटी जो देखे थे, वेलोसिटी दैट इज वी डैश माइनस वी मे बी पॉजिटिव जीरो और निगेटिव। अब ये सेम केस हम यहां पर भी लेते हैं, लेकिन क्या क्या बात कर रहे हैं, तो पहले केस में पॉजिटिव कंसिडर किए, मीन्स वी डैश माइनस वी इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव का मतलब यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहा है, आपको लग रहा है कि उसकी तेज वो और तेज हो रहा और तेज हो रहा है, क्योंकि वो आगे की ओर बढ़ते चला जा रहा है, इतना मात्रा का डिफरेंस वो हमेशा ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ए विल ऑब्जर्व दैट इट इज गोइंग, इट इज फास्टर फास्टर, आगे की ओर और तेज होते चला जा रहा है, तो वेलोसिटी में देख रहे हैं, दैट मीन्स द वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीजेज, ये ऐसा फील होता है, जबकि मेंटेन है, दोनों के वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां पर भी आप ले लिया वी और वी डैश दोनों कांस्टेंट है, यहां पर अगर हम लेते हैं तो क्या मिल रहा है, वी डैश माइनस वी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स दोनों वेलोसिटी बराबर है, वी इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी इज इक्वल टू वी, दैट मीन्स दोनों सेम गति के साथ है, साथ साथ मूव कर रहा है, या जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहा। लेकिन अगर थर्ड बात करते हैं, और थर्ड बात में थर्ड पॉइंट में आप क्या लिए कि दैट फॉर सी वी डैश माइनस वी इज इक्वल टू निगेटिव, इज इक्वल टू निगेटिव, ये निगेटिव कंसीडर कर लिए। निगेटिव का मतलब अब द वेलोसिटी घट रहा है एक दूसरे से और मीटिंग मीट कर रहा है, मीट कर रहा है, और ये हो गया आपका टाइम ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग, और इधर हो गया पोजीशन ऑफ मीटिंग, पोजीशन ऑफ मीटिंग। तो ये अरेंजमेंट है पूरा पूरे, ठीक है। तो ऐसे में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है और एक दूसरे के साथ जाकर के मीट कर रहा है, एंड दैट इज द रिलेशन रिलेटिव वेलोसिटी फॉर वन डायमेंशन। देखें अब इसी चीज को हम लोग टू डायमेंशन में कैसे देखेंगे, देखो अभी